विद्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। स्कूल के 11 छात्राएं और अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी बच्चों की हालत सामान्य है और होम आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है। नए मरीजों को मिलाकर जिले में कोरोना के 53 एक्टिव केस हो चुके हैं। एक साथ 11 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं। जाहिर है अपने आप में ये चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी और पहले ही जब जिले में 53 मरीज मिले हैं तो इसको देखते हुए चिंता जिले स्तर पर प्रशासनिक अमले से बढ़ गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ फराज समाचार रेखराज साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेखराज, 53 मरीज पहले ही जिले में थे और एक साथ 11 नए छात्र जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालने का काम किस तरीके से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, महासमुंद जिले में जो है 1 अप्रैल से कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और वर्तमान स्थिति में और आज 1 अप्रैल से अब की स्थिति में अगर बात करें तो कोरोना के 57 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। फिलहाल 53 जो पॉजिटिव केस थे वो मॉर्निंग समय में था और अभी जो ताजा आंकड़े जो निकल करके आ रहे हैं कि हॉस्टल जो है कस्तूरबा पिथौरा के, उसमें से जो है 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो छात्राएं हैं वो मिले थे और आज अभी दोपहर को 4 और इस केस में बढ़ोतरी हुई है। तो इस हिसाब से जो है वहाँ हॉस्टल में जो है 17 केस जो है कोरोना के मिले हैं और जिले में अगर सकरी की बात करें तो सकरी में जो है 57 केस जो है निकल करके सामने आए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार जो है कोरोना के जो मरीज है उनको जो है आइसोलेशन में रहकर उनका इलाज जारी है। साथ ही साथ जो है आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर टेस्ट की संख्या बढ़ाई हुई है। लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर जो है जांच कर रही है और आगे जो है देखना ये होगा कि क्या जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है जो बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े है उनको जो है विराम लगाने में कितना संभव कर पाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रेखराज।